हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का यूनिट नंबर जो हमारा सेवन है जेनेटिक्स एंड रेवल्यूशन का उसका चैप्टर नंबर फाइव है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसका हम लोग कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आ, मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है यह काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है तो आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के इंड तक जरूर देखें तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है यह क्या कह रहा है तो इसमें बोल रहा है कि ए प्योर टॉल पी वाज क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे इसमें बोल रहा है कि प्योर टॉल पी वाज क्रॉस विद ए प्योर ड्वार्फ पी ऑल द प्लांट्स ऑफ एफोन वेयर फाउंड टू बी टॉल दिस इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए है डोमिनेंस ऑप्शन नंबर बी है डिसंस ऑफ फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस इन एफोन जनरेशन ऑप्शन नंबर सी है सिग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स ऑप्शन नंबर डी है कोऑर्डिनेशन तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा जो कि डोमिनेंस होगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इसमें बोल रहा है कि एक कपल है सिक्स डॉटर्स एक कपल है उसके पास सिक्स डॉटर्स है व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ दे आर हैविंग ए गर्ल नेक्स्ट टाइम ऑप्शन नंबर ए है टेन बी नंबर है फिफ्टी सी नंबर नाइन्टी और डी नंबर है सौ परसेंट so, जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर जो कि फिफ्टी परसेंट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसमें बोल रहा है कि वाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफ स्प्रिंग वेन वेन बोथ पेरेंट्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है ए बी ओनली ऑप्शन नंबर बी है ए बी एंड ए बी ऑप्शन नंबर सी है ए बी ए बी एंड ओ और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी ओनली जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा ए बी एंड ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जो कि बोल रहा है कि ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज ए नॉर्मल विजन मेल वाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स टू बी कलर ब्लाइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है टू एटीन में पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए जो है वह है ट्वेंटी फाइव परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स विद विदोटिपिकली नॉर्मल विजन ऑप्शन नंबर बी है फिफ्टी परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट डॉटर्स नॉर्मल ऑप्शन नंबर सी है फिफ्टी परसेंट सन कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट डॉटर्स कलर ब्लाइंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल सन्स नॉर्मल एंड फिफ्टी परसेंट कलर ब्लाइंड डॉटर्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि फिफ्टी परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट जो है डॉटर्स नॉर्मल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसको देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसमें स्पष्ट बोल रहा है कि ए फीमेल फैमिली हैज फाइव डॉटर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स चाइल्ड बींग बॉय विल बी इसमें से चूज करना है ऑप्शन नंबर ए है वन इन टू ऑप्शन नंबर बी है वन इन फाइव ऑप्शन नंबर जो सी है वन इन थ्री और ऑप्शन नंबर डी है वन इन सिक्स जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा वन इन टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि बोल रहा है कि इफ़ मदर हैज ओ ब्लड ग्रुप एंड चाइल्ड ऑल्सो हैज ओ ग्रुप व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर ऑप्शन ए है ओ ऑप्शन बी है ए ऑप्शन सी है बी और ऑप्शन डी है ए बी जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि ओ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जो बोल रहा है कि एंटी एंटीसेरम यूज इन टेस्टिंग ब्लड ग्रुप्स हैज ऑप्शन नंबर है एंटीबॉडी ऑप्शन नंबर बी है एंटीजन ऑप्शन नंबर सी है लिकोसाइड्स ऑप्शन नंबर डी है नॉन तो जो क्वेश्चन नंबर सेवन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि एंटीबॉडी होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट जो है हमारा ये बोल रहा है कि ए रेसेसिव ट्रेट इन गार्डन पी इज ऑप्शन नंबर ए है रिंकल्ड सीड्स ऑप्शन नंबर बी है टॉल स्टेम ऑप्शन नंबर सी है राउंड सीड्स और ऑप्शन नंबर डी है कलर्ड सीड्स वन कोट्स जो क्वेश्चन नंबर एट है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि रिंकल्ड सीड्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि पूछ रहा है कि विच ब्लड ग्रुप आर कॉमन इन मैन एंड एप्स बट एबसेंट इन मंकी तो बताना है हम लोगों को जो कि ब्लड ग्रुप जो है कॉमन है मैन में एंड एप्स में बट एब्सेंट इन मंकी मंकी में ऑब्सेंट है तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट जो आंसर होगा वह बी नंबर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए एंड बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो टेन है इसमें बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए हैज ऑप्शन नंबर ए है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी ऑप्शन नंबर बी है एंटीजन बी एंटीबॉडी ए ऑप्शन सी है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी ऑप्शन नंबर डी है एंटीजन ए नो एंटीबॉडी जो क्वेश्चन नंबर टेन है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन जो कि इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन लीवर सेल्स ऑफ ए ह्यूमन फीमेल इज ऑप्शन नंबर ए है ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर बी है ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर सी है ट्वेंटी थ्री ऑटोजोम और ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी थ्री पेयर्स जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि ट्वेंटी टू पेयर्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो कि पूछ रहा है कि मेंटल प्रोपोज मेंटल ने क्या प्रपोज किया था ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ लिंकेज ऑप्शन नंबर बी है टेन परसेंट इनर्जी लॉ ऑप्शन नंबर सी है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो कि क्वेश्चन नंबर थर्टीन में पूछ रहा है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑप्शन नंबर ए है मेंडेल, ऑप्शन नंबर बी है मॉर्गन ऑप्शन नंबर सी है लमार्क और ऑप्शन नंबर डी है डी वेरिज जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए नंबर होगा जो कि मैंडल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसमें पूछ रहा है कि ए हैप्लॉयड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रजेंट इन ए गैमिक इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है जीनोटाइप ऑप्शन नंबर बी है फिनोटाइप ऑप्शन नंबर सी है जीनोम और ऑप्शन नंबर डी है लिंकेज ग्रुप जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा जो कि जीनोम होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाई मेंडल इन पी बाज मैंटल ने जो है कितने कैरेक्टर्स को लेकर के पी प्लांट पर जो है स्टडी किया था तो इसको सभी लोग जानते हैं और सेवन करेक्टर्स लिए थे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा सेवन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें पूछ रहा है कि टू सी द इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन इनहेरिटेंस मेंडल परफॉर्म्ड ऑप्शन ए है टेस्ट क्रॉस ऑप्शन बी है आउट क्रॉस ऑप्शन सी है रेसी प्रोकल क्रॉस ऑप्शन डी है सीब क्रॉस जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि रेसी प्रोकल क्रॉस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु मोडिफाइड मेंडल्स पॉस्टूलेट्स एज मेंडल्स लॉज ऑप्शन नंबर ए है कोरेंस ऑप्शन नंबर बी है टेस्टमार्क इसको मार्क भी पढ़ा जाता है टी साइलेंट है सी नंबर है हुगो डिवेरिज ऑप्शन नंबर डी है मॉर्गन तो जो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए नंबर होगा कॉरेन्स होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर एट्टीन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टीन जो है यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए टॉल प्लांट ऑन सेल्फिंग प्रोड्यूस टॉल एंड डॉर्फ बोथ व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग विल बी ऑप्शन नंबर ए है टॉल ऑप्शन नंबर बी है डॉर्फ ऑप्शन नंबर सी है इक्वल चांस ऑप्शन नंबर डी है डाटा नॉट सफिशियंट जो क्वेश्चन नंबर एट्टीन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि टॉल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉसेज आर ऑल फिनोटिपिकली ए लाइक ऑप्शन ए है ऑप्शन बी भी है सी भी है डी भी है तो इस फोर ऑप्शन में से जो है हम लोग को चूज करना है तो जो सी नंबर ऑप्शन है यही करेक्ट है डबल कैपिटल डी मल्टीप्लीकेशन कैपिटल डी इंटू ए स्मॉल डी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये रेसेसिव इन गार्डन पी इज ऑप्शन नंबर ए है टॉल स्टेम ऑप्शन नंबर बी है कलर्ड फ्लावर ऑप्शन नंबर सी है रिंकल्ड सीड्स और ऑप्शन नंबर डी है इन्फ्लेटेड पॉड तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा रिंकल्ड सीड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए कपल हैज टू गर्ल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थर्ड गर्ल बेबी इज ऑप्शन नंबर ए है हंड्रेड परसेंट ऑप्शन नंबर बी है फिफ्टी परसेंट ऑप्शन नंबर सी है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर डी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि फिफ्टी परसेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसमें पूछ रहा है कि जीजे मेंडल मतलब ग्रेगर जोहान मेंडल वाज ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश मॉन्क ये भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन मॉन्क जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इसको ध्यान से देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलियन मॉन्क ये भी नहीं होगा अब ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रियन मॉन्क तो ये हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो है सी नंबर जो है वह करेक्ट है जर्मन साइंटिस्ट ये भी जो है इनकरेक्ट है तो जीजे मेंडल क्या थे तो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ठीक है ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे पादरी थे एक चर्च के जीजे मेंडल आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार बोर्ड में तो इसमें बोल रहा है कि द फिनोटिपिक रेशियो फॉर एफ टू जेनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑप्शन नंबर ए है थ्री अनुपात वन मतलब थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी है टू रेशियो टू ऑप्शन नंबर सी है वन रेशियो टू रेशियो वन और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा वन रेशियो टू रेशियो वन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स इन एफ टू ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज बताना है क्या बताना है तो फिनोटाइप्स का रेशियो बताना है एफ uh, टू में जो कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा सीरी रेशियो वन होगा इसको आप लोग याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बोल रहा है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या कर रहा है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स सिट इज द एग्जाम्पल्स साइट्स ह्यूमन बींग साइट्स द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन नंबर ए है इन डोमिनेंस ऑप्शन नंबर बी है सीओ डोमिनेंस ऑप्शन नंबर सी है मल्टीपल एलिलिज्म ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा बोथ बी एंड सी होगा मतलब को डोमिनेंस भी होगा और मल्टीपल एलिलिज्म भी होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है उसको देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव ऑटोजोमल डिजीज ऑप्शन नंबर ए है हेमोफिलिया ऑप्शन नंबर बी है साइस्टिक फाइब्रोसिस ऑप्शन नंबर सी है फिनाइल केटोनोरिया ऑप्शन नंबर डी है सिक्कल सेल एनेमिया तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि हेमोफिलिया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बोल रहा है कि फेनोमेन ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग सेवरल फिनोटापसिस ऑप्शन ए है इपिस ऑप्शन बी है पिलियोट्रोपिजम ऑप्शन सी है कोडोमिनेंस और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीपल एलिजम तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा पेलियोट्रोपिज्म होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है यह बोल रहा है कि द मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन इन एफ टू जेनरेशन इंडिकेट्स ऑप्शन ए है सिग्रीगेशन ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट ऑप्शन सी है डोमिनेंस और ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि सिग्रीगेशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है टू थाउजेंड एटीन में जो है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो ये ऑप्शन इसमें फोर ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो है क्वेश्चन बताना है इसमें क्या बताना है तो जीन्स परजेंट है ऑन सेम लोकस में हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑप्शन ए है मल्टीपल एलिल ऑप्शन बी है पॉलीजीन ऑप्शन सी है ऑनकोजीन ऑप्शन डी है को कोडोमाइनेंट जीन तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि मल्टीपल एलील होगा तो आप लोग मल्टीपल एलील को जो है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है यह भी काफ़ी जो है वी वी क्वेश्चन है ये टू थाउजेंड एटीन में जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो कह रहा है कि ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ हैज बी ब्लड ग्रुप टाइप फादर देन द फादर हैज जीनो टाइप ऑफ ऑप्शन को ध्यान से देखिए फोर ऑप्शन इसमें दिया गया है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए आई ओ आई ओ उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है आई बी आई ओ ऑप्शन सी है आई बी आई बी और ऑप्शन डी है आई ए आई ए तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि आई बी और आई पर ओ ओ हो है. ठीक है तो अब आ, हम लोग जो है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ऑप्शन नंबर ए है एंटी एंटीबॉडीज आर प्रजेंट ऑप्शन नंबर बी है एंटीबॉडीज आर ऑप्सेंट ऑप्शन नंबर सी है एंटीबॉडी ए इज प्रजेंट ऑप्शन नंबर डी है एंटीबॉडी बी इज प्रजेंट तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा एंटीबॉडीज आर अब्सेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है इसको तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द जीनोटाइपिक रेशियो क्या पूछ रहा है द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी ऑप्शन नंबर ए है थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी है वन रेशियो वन ऑप्शन नंबर सी है डी है तो सी में वन रेशियो टू रेशियो वन है ऑप्शन डी में टू रेशियो वन है तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि वन रेशियो टू रेशियो वन होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जो है तो क्वेश्चन नंबर जो थर्टी थ्री है यह क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज बेस्ड अपॉन द एफ टू रेशियो ऑफ ऑप्शन नंबर ए है वन रेशियो टू ऑप्शन नंबर बी है नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर सी है वन रेशियो टू रेशियो वन ऑप्शन डी है थ्री रेशियो वन तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह डी नंबर होगा थ्री रेशियो वन होगा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन्स डू नॉट ऑकर्स इन पेयर्स इन ऑप्शन नंबर ए है जाइगोट ऑप्शन नंबर बी है सोमैटिक सेल ऑप्शन नंबर सी है इंडो सेल्स और ऑप्शन नंबर डी है गैमिट्स तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि गैमिट्स होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीग्रीगेशन ऑफ जीन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए है मेटाफेज ऑप्शन नंबर बी है एनाफेज ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेज और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेशन तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्टी फाइव है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि एना फेज होगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स को देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड ए पैरेंट इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन नंबर बी है बैक क्रॉस ऑप्शन नंबर सी है टेस्ट क्रॉस ऑप्शन नंबर डी है रेसिप्रोकल क्रॉस तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह सी नंबर होगा जो कि टेस्ट क्रॉस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन को तो क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन ऑफ स्प्रिंग एंड रेसे पेरेंटीज ऑप्शन नंबर ए है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन नंबर बी है बैक क्रॉस ऑप्शन नंबर सी है टेस्ट क्रॉस ऑप्शन नंबर डी है रेसी क्रॉस तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि टेस्ट क्रॉस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनो टाइप ऑफ हाइब्रिड इज बाई ऑप्शन नंबर ए है स्टर्डिंग सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ एफ वन प्रोजेनि ऑप्शन नंबर बी है क्रॉसिंग एफ वन इंडिविजुअल्स विद रिसेसिव पेरेंट्स ऑप्शन नंबर सी है क्रॉसिंग वन एफ टू प्रोजेनि विद मेल पेरेंट्स ऑप्शन नंबर डी है क्रॉसिंग वन एफ टू प्रोजेनि विद फीमेल पेरेंट तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि क्रॉसिंग एफ वन इंडिविजुअल्स विद रेसे पेरेंट्स होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन को तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीग्रीगेशन ऑफ जीन्स ऑकर्स इन ऑप्शन नंबर ए है इम्ब्राय फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर बी है एनाफेज फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी है एनाफेज सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है मेटाफेज सेकंड तो जो क्वेश्चन थर्टी नाइन है इसका करेक्ट आंसर पी नंबर होगा जो कि एनाफेज फर्स्ट होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फॉर्म ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन सेट ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है मोनोहाइब्रिड ऑप्शन नंबर बी है म्यूटेंट ऑप्शन नंबर सी है पॉलिप्लवाइड और ऑप्शन नंबर डी है वेरियंट तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है हमारा इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि मोनोहाइब्रिड होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन को देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू नोन द जीनो टाइप इट इज ए क्रॉस बिटवीन ऑप्शन नंबर ए है F1 वन हाइब्रिड विद डोमिनेंट पेरेंट ऑप्शन नंबर बी है F1 वन विद रेसेसिव पेरेंट ऑप्शन नंबर सी है टू एफ वन और ऑप्शन नंबर डी है टू एफ टू हाइब्रिड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा जो कि F1 वन विद रेसेसिव पेरेंट होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइडर ऑफ एनी पेरेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट क्रॉस ऑप्शन नंबर बी है रेसिप्रोकल क्रॉस ऑप्शन नंबर सी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन नंबर डी है बैक क्रॉस तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि बैक क्रॉस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन वन हाइब्रिड विद द डोमिनंट पैरेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट क्रॉस ऑप्शन नंबर बी है आउट क्रॉस ऑप्शन नंबर सी है बैक क्रॉस और ऑप्शन नंबर डी है रिवर्स क्रॉस तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा आउट क्रॉस होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए डोमिनेंट ट्रेट इन द फ्लोइंग इज ऑप्शन नंबर ए है कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन नंबर बी है नाइट ब्लाइंडनेस ऑप्शन नंबर सी है आर एच प्लस और ऑप्शन नंबर डी है एल बी निजम तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा आर एच प्लस होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव को देख हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है इसमें बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल वाज ऑप्शन नंबर ए है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन नंबर बी है डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन नंबर सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन नंबर डी है बैक क्रॉस तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ मेंडल हैज कंसिडर्ड एट्रेट इन पी विच लॉ वुड है ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गन नंबर सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ डोमिनेंस तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज हम लोगों को इसमें बताना है क्या बताना है तो मेंडेलियन लॉ का एक एक्सेप्शन है जो कि इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट जो है उसका ऑप्शन नंबर ए है क्रॉसिंग ओवर ऑप्शन नंबर बी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन नंबर सी है सिग्रीगेशन और ऑप्शन नंबर डी है लिंकेज तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा डी नंबर होगा जो कि लिंकेज होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज प्योर हाइब्रिड इन द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल डबल टी ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल टी डबल कैपिटल टी और उसके बाद डबल स्मॉल आर है ऑप्शन सी है कैपिटल टी स्मॉल टी उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर ऑप्शन डी है डबल कैपिटल टी डबल कैपिटल आर तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी नंबर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉस सोज थ्री रेशियो वन रेशियो तो यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया गया इसमें से हम लोग को ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि कैपिटल ए स्मॉल है दोनों स्मॉल भी अब क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए और डबल कैपिटल डबल स्मॉल बी होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर ए है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर बी है मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर सी है पेलियोट्रॉपिक जीन ऑप्शन नंबर डी है मल्टीपल एलियज तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा डी नंबर होगा ठीक है डी नंबर जो है वह करेक्ट आंसर है मल्टीपल एलियस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन को तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो फिफ्टी वन में पूछ रहा है कि जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप फादर एंड ओ ग्रुप चाइल्ड वुड भी ऑप्शन नंबर ए है आई ए आई ए ऑप्शन नंबर बी है आई ए आई टू ऑप्शन नंबर सी है आई ए आई बी और ऑप्शन नंबर डी है आई आई तो जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा आई ए आई टू नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन ओ ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑप्शन नंबर ए है बी एंड बी ऑप्शन नंबर बी है ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी है ओ एंड ओ और ऑप्शन नंबर डी है ए बी एंड ओ तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह हमारा डी नंबर होगा जो कि ए बी एंड ओ होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछा है तो पूछा है कि हाइब्रिड टेस्ट क्रॉसिज ऑप्शन फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा ए नंबर होगा जो कि वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे काफ़ी जो है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो पूछा है कि जीन्स प्रजेंट ऑन द सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर ऑप्शन नंबर है मल्टीपल एलिल्स ऑप्शन नंबर बी है पॉलीजीन्स ऑप्शन नंबर सी है ऑंकोजींस और ऑप्शन नंबर डी है कोडोमिनेंट्स जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि मल्टीपल एलिल्स होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैनी ऑफ गैमिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए ए कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों स्मॉल सी जीनो टाइप ऑप्शन नंबर ए है टू ऑप्शन नंबर बी है फोर ऑप्शन नंबर सी है सिक्स और ऑप्शन नंबर डी है नाइन तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि टू होगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स को देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्टी सिक्स है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एफ टू प्रोजेनि ऑफ एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा वन रेशियो टू रेशियो वन होगा इसको आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन में पूछा है कि ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस्ड टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स इन रेशियो ऑफ थ्री रेशियो वन दे आर जीनोटाइप्स वुड बी तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वह बी नंबर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लीकेशन क्रॉस कहिए कैपिटल टी स्मॉल टी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए हैज फोर ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से हम लोग को चूज करके बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो सी है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी यही जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन और इसमें पूछ रहा है कि मैंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन जो है करेक्ट ऑप्शन है तो इसका जो फिफ्टी नाइन है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर है होमोलोगस पेयर्स बिटवीन क्रोमोजोन जोम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जीनोटाइप यहाँ पर दिया गया है कि कैपिटल ए स्मॉल ए डबल कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैम इट्स ऑप्शन नंबर ए है फोर ऑप्शन नंबर बी है थ्री ऑप्शन नंबर सी है सिक्सटीन और ऑप्शन नंबर डी है सिक्सटी फोर तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा फोर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन और सिक्सटी वन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन बोल रहा है कि ई ने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेनी इज फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन प्लांट्स लाइक टोबैको वाज फर्स्ट स्टडीड बाय ऑप्शन नंबर ए है डेविनोपोर्ट ऑप्शन नंबर बी है नीलसन हील ऑप्शन नंबर सी है कोलरीटर ऑप्शन नंबर डी है गैल्टन तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा जो कि कोलरेटू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन कंप्लीमेंट्री जीन्स द डाईहाइब्रिड रेशियो ऑफ नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन इज मोडिफाइड इन ऑप्शन नंबर ए है नाइन रेशियो सेवन ऑप्शन नंबर बी है ट्वेल्व रेशियो थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर सी है फिफ्टीन रेशियो वन और ऑप्शन नंबर डी है थर्टीन रेशियो थ्री तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा नाइन रेशियो सेवन होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाई ऑप्शन नंबर है एंगे ऑप्शन नंबर बी है मैप यूनिट ऑप्शन नंबर सी है डॉपसन यूनिट ऑप्शन नंबर डी है मिलीमीटर तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि मैप यूनिट होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इस क्वेश्चन में पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमिट प्रोड्यूस्ड बाई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी पेरेंट विल बी तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा तो आप लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है इसको आप लोग याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल टी डबल कैपिटल टी क्रॉस डबल कैपिटल टी ऑप्शन बी है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी ऑप्शन सी है स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी डबल स्मॉल टी क्रॉस डबल स्मॉल टी और यहाँ पर है एक कैपिटल टी है उसके बाद स्मॉल टी है उसके बाद क्रॉस है दोनों स्मॉल टी है तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस दोनों स्मॉल टी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन हमारा जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर ए प्लांट विद जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी इज फोर ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से जो है हम लोगों को चूज करना है तो जो ए नंबर ऑप्शन है टू यही जो है सही है अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट को देख जो हमारा सिक्सटी एट नंबर क्वेश्चन है यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर एक्सेप्टेड फॉर्म द ऑर्गेनिजम विद जीनो कैपिटल डबल कैपिटल ए डबल कैपिटल बी डबल कैपिटल सी ऑप्शन नंबर ए है वन ऑप्शन नंबर बी है टू ऑप्शन नंबर सी है फोर और ऑप्शन नंबर डी है एट तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट है इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा वन होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एक्टिव जनरेशन फोर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है रेशियो ऑफ इज थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी है रेशियो ऑफ जीनोटाइप इज थ्री रेशियो वन ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है फिनोटाइपिक रेशियो कॉरेस्पॉन्ट्स टू जीनोटैपिक रेशियो तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा जो कि फिनोटाइपिक रेशियो कॉरेस्पॉन्ड्स टू जीनोटैपिक रेशियो होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए टेस्ट क्रॉस ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बे कैपिटल बी कैप स्मॉल बी कैप डबल कैपिटल सी प्रोड्यूसेज हाउ मेनी फिनो टाइप्स यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर जो ए है वह है सिक्सटीन ऑप्शन नंबर बी है ट्वेल्व ऑप्शन नंबर सी है एट और ऑप्शन नंबर डी है फोर तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा जो कि फोर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस सिक्सटीन डिफरेंट गैमिट्स ऑप्शन ए है कैपिटल ए कैप स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और सी सी और कैपिटल डी स्मॉल डी इसी तरह फोर ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को जो है चूज करना है तो जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ए स्मॉल बी डबल स्मॉल सी और उसके बाद डबल कैपिटल डी उसके बाद एक कैपिटल ई e, और उसके बाद स्मॉल ई उसके बाद कैपिटल एफ और उसके बाद स्मॉल एफ अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए है मॉर्गन ऑप्शन नंबर बी है सटन एंड बोवेरी ऑप्शन नंबर सी है होगोडिवेरिज और ऑप्शन नंबर डी है मेंडल तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा जो कि सटन एंड बोवेरी होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री को देखते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है यह हम लोगों से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो कह रहा है कि ग्रास हॉफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल्स हैब यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से हम लोग को चूज करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा ए नंबर जो कि वन एक्स क्रोमोजोम जो है करेक्ट ऑप्शन होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है कि ए मेल ग्रास हॉपर विल हैव ए सेक्स कंप्लीमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई ऑप्शन नंबर बी है एक्स एक्स ऑप्शन नंबर सी है एक्स ओ और ऑप्शन नंबर डी है वाई ओ तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा एक्स ओ होगा अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव बोल रहा है कि द ह्यूमन क्रोमोजम विद हाइएस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोजोम ट्वेंटी वन एंड वाई ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोजोम वन एंड एक्स ऑप्शन नंबर सी है क्रोमोजोम वन एंड वाई और ऑप्शन नंबर डी है क्रोमोजोम एक्स एंड वाई तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा क्रोमोजोम वन एंड वाई जो है यह करेक्ट होगा और इसको आप लोग याद रखिएगा क्रोमोजोम वन एंड वाई और ये क्वेश्चन टू थाउजेंड एटीन में जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स और यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट

नंबर फ्लोइंग नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन ए है लिंकेज और ऑप्शन नंबर डी है म्यूटेशन तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा जो कि लिंकेज होगा लिंकेज तो आप लोग लिंकेज को याद रखिएगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है फादर ऑफ ए चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बींग कलर ब्लाइंड इज आप लोगों को बताना है इसमें क्या बताना है तो फादर ऑफ चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड इज तो जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा फिफ्टी परसेंट जो है यह करेक्ट होगा आप लोग फिफ्टी परसेंट को याद रखिएगा और क्वेश्चन को भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक क्वेश्चन जो है पूछ भी देता है कि ट्राई ट्राई सॉरी इज रिप्रेजेंटेड बाई ट्राई सॉरी भी इज रिप्रेजेंटेड बाई तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा टू एन प्लस वन आप लोग याद रखिएगा ट्राई सॉमी जो है क्या यहाँ पर ट्राई सॉरी लिखा है ट्राइसोमी होना चाहिए तो ट्राइसोमी इज रिप्रजेंटेड बाय टू एन प्लस वन इसको आप लोग याद रखेंगे अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बी ए और दो जो है स्मॉल आर दे दिया है बडीज रिप्रेजेंट इन टर्नर सिंड्रोम इज तो इसको आप लोग याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर होगा जीरो होगा नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी वन को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर एट्टी वन है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन एन इंडिविजुअल हैप्लॉयड नंबर इज टेन इट इज़ टेटेरा के नंबर विल बी ऑप्शन नंबर ए है फोर्टी ऑप्शन नंबर बी है फोर्टीन ऑप्शन नंबर सी है ट्वेंटी टू और ऑप्शन नंबर डी है फोर्टी फोर तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी वन है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा जो कि ट्वेंटी टू होगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी टू को देखते हैं एट्टी टू भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है टू थाउजेंड एटीन में बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ट्राइज सॉमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम ऑप्शन नंबर ए है क्लीन फेंटर्स क्लीन फेल्टर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर बी है टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर सी है सिक्कल सेल एनेमिया और ऑप्शन नंबर डी है डाउन सिंड्रोम तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा डाउन सिंड्रोम तो आप लोग याद रखिएगा कि ट्राइसोमी में ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम जो है उसका कॉजेज क्या होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम को आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है एट्टी टू टू में पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम को अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एटी थ्री तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री जो है इस क्वेश्चन में बोला है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज ऑप्शन नंबर ए है माइटोसिस ऑप्शन नंबर बी है हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन नंबर सी है फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर डी है म्यूटेशंस तो जो क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा जो कि म्यूटेशंस होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर और यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है टू थाउजेंड नाइनटीन में बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिकल सेल इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ डिजीज ऑप्शन नंबर ए है सेक्स लिंक्ड डिजीज ऑप्शन नंबर बी है लिंक्ड डिजीज ऑप्शन नंबर सी है डिफिशियंसी डिजीज और ऑप्शन नंबर डी है मेटाबॉलिक डिजीज तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा जो कि ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में और सिकल सेल एनेमिया सोज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि सिकल सेल एनेमिया सोज ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए इपी से है ऑप्शन नंबर बी को देखिए को डोमिनेंस है ऑप्शन नंबर सी है पेलियोट्रॉफी और ऑप्शन नंबर डी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा पेलियोट्रॉफी होगा तो आप लोग पेलियोट्रॉफी को जो है याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव कि सिकल सेल एनेमिया में क्या सोज होता है तो पेलियोट्रॉफी जो है यह सोज होता है अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स बोल रहा है कि मंगोलिज्म इने जेनेटिक डिजॉर्डर पॉज बाई द परजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर ऑप्शन नंबर ए है ट्वेंटी ऑप्शन नंबर बी है ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर सी है सेवनटीन ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी थ्री तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स है इसका करेक्ट ऑप्शन इसका बी नंबर ऑप्शन होगा जो कि ट्वेंटी वन होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन को देखते हैं तो एट्टी सेवन क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लिन फिल्टर्स सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाई ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई वाई ऑप्शन नंबर बी है एक्स ओ ऑप्शन नंबर सी है ट्रिपल एक्स और ऑप्शन नंबर डी है डबल एक्स एंड सिंगल वाई तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा डबल कैपिटल एक्स एंड एक सिंगल वाई होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी एट एक को देखते हैं तो एट्टी एट भी जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन में पूछा है कि फीमेल्स विद टर्नर्स सिंड्रोम हैव ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल इटेरस ऑप्शन नंबर बी है रूडिमेंटरी ओवरिज ऑप्शन नंबर सी है अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी एट है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा जो कि ऑल ऑफ दीज होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है टू थाउजेंड एटीन में बिहार बोर्ड में और इस क्वेश्चन में बोला है कि सिक्कल सेल एनेमिया सोज पूछ रहा है कि सिकल सेल सीकल से सोज ऊपर हम लोग देखे भी हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी नंबर होगा जो कि हमारा क्या होगा पेलियोट्रॉपी होगा तो आप लोग इसको याद रखेंगे दो बार जो है क्वेश्चन जो है मिल हम लोगों को सिकल सेल सोज पेलियोट्रॉपी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटी को क्वेश्चन नंबर नाइनटी थोड़ा बड़ा है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें पूछा है कि ये नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज ए नॉर्मल भिजन मेल नॉर्मल भीजन मेल व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स टू बी कलर ब्लाइंड ऑप्शन को ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स विद फिनोटिपिकली नॉर्मल विजन ऑप्शन नंबर बी है कि फिफ्टी परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट डॉटर नॉर्मल ऑप्शन नंबर सी है फिफ्टी परसेंट सन्स कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट डॉटर कलर ब्लाइंड और ऑप्शन नंबर डी है ऑल सन्स नॉर्मल एंड फिफ्टी परसेंट कलर ब्लाइंड डॉटर तो जो क्वेश्चन नंबर नाइनटी है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी नंबर होगा फिफ्टी परसेंट कलर ब्लाइंड एंड फिफ्टी परसेंट डॉटर नॉर्मल तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 को तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो कह रहा है किसन सोफरिंग फॉर्म कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑप्शन नंबर ए है रेड एंड येलो कलर्स ऑप्शन नंबर बी है रेड एंड ग्रीन कलर्स ऑप्शन नंबर सी है ब्लू एंड ग्रीन कलर्स और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिज तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी नंबर होगा रेड एंड ग्रीन कलर्स होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू को देखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू है इस क्वेश्चन में बोला है कि सिकल सेल एनेमिया सोज ऑप्शन नंबर है ईपीएसटेसिस ऑप्शन नंबर बी है को ऑप्शन नंबर सी है पेलियोट्रॉपी ऑप्शन नंबर इनकम्प्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 टू है इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा जो कि पेलियोट्रॉपी होगा नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री और इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स सोज ऑप्शन नंबर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन नंबर बी है मल्टीपल एल ऑप्शन नंबर सी है को डोमिनेंस और ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा बोथ बी एंड सी मतलब मल्टीपल भी सही है और को डोमिनेंस भी सही है तो जब बी नंबर और सी नंबर सही है तो डी नंबर ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ है और ह्यूमन बींग्स में क्या सोच करता है तो मल्टीपल एलील को सोच करता है और को डोमेंस को सोच करता है दोनों को सोच करता है इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी होगा बोथ बी एंड सी होगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो नाइनटी फोर है इस क्वेश्चन में बोला है क्या बोला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में जो है क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर है इसमें बोला है कि डबल कैपिटल जे उसके बाद ऑब्लिक एक कैपिटल एक, जे और फिर एक जो है सिंगल कैपिटल डब्लू दिया है टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन तो बताना है कि इसमें किसमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है स्नेल्स ऑप्शन नंबर बी है कॉकरोच ऑप्शन नंबर सी है पीकॉक ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमंस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा जो कि कॉकरोच होगा ठीक है तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फाइव है हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसका कंप्लीट जो है हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान गए जो कि आपके अगले नेक्स्ट जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लाया गया है अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो है आपको जब वीडियोज़ अपलोड हो तो समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोज़ देख करके अपने एग्जामिनेशन के प्रिपे में जो है हेल्प ले सके तो ऐसे ही आप क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोज पाने के लिए और आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए जो है आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का स्टडी कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करना ना भूलिए अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए या कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो आप उसको आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में मैंशन करेंगे जिसका सोल्यूशन जो है आपको तुरंत जो है दिया जाएगा जिससे जो है आपका डाउट क्लियर हो सके क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और वीडियो जो है इसको आप लोग ज़रूर जो है शेयर करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे ठीक है चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में